हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो कमांड के बारे में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में होती है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो मैक्रो कमांड है वो व्यू में जाकर होती है, यहाँ पर लास्ट में। अब बेसिकली इस कमांड का यूज़ क्या होता है? सबसे पहले तो मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। हम पार्टिकुलरली कोई भी लिस्ट है या कोई भी डाटा है जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं या रिकॉर्ड करके, इन शॉर्ट कह सकते हैं, रख सकते हैं। तो जब भी हमें यूज़ पड़े या भी ज़रूरत पड़े, हम उस डाटा को बार बार निकाल कर वहाँ पर रख सकते हैं। अब इसमें आप कहोगे कॉपी पेस्ट भी। अब कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि एक बार हमने कॉपी कर लिया पेस्ट, लेकिन जब हम उस फाइल को बंद कर देते हैं उसके बाद वो चीज़, या शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर, अगले दिन आके ऑन करते तो वो चीज़ पेस्ट नहीं हो पाती। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकुलरली एक चीज़ है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब मर्जी जितनी बार हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, जितनी बार उसको रन करेंगे, वो डाटा हमें दिखाता जाए। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैक्रो में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे मैक्रो वन लिखा आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, ओके, इनवैलिड प्रोसीजर नेम स्टूडेंट लिस्ट। अब पहले उसने इनवैलिड कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके नाम में स्पेस था। अब देखेंगे आप, यहां पर कर्सर के साथ एक कैसेट रिकॉर्डिंग टाइप बन के आ गई है। इसका मतलब हमारा डाटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, लकी वन नंबर दे दिया हमने इसको, सेकंड नंबर हमने दे दिया राजन, थर्ड नंबर हमने दे दिया अमित, फोर्थ नंबर हमने दे दिया सागर, फिफ्थ नंबर हमने दे दिया राज, सिक्स्थ नंबर हमने दे दिया कीर्ति, सेवन नंबर हमने दे दिया रोहित, एट नंबर राहुल, नाइन गगन, लास्ट 10 नंबर हमने दे दिया ओम। तो इस तरह से मैंने 10 नंबर की लिस्ट बना लिया। इसको उसके बाद करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप कर लिया, स्टॉप करने के बाद मान लो हमने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मान लो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं, उसके बाद मेरे को ये नाम की लिस्ट लेके आनी, तो मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो, जो स्टूडेंट लिस्ट है उसको रन कर देंगे, वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको बंद कर दिया अपनी फाइल को, दोबारा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, खुल गया। अब फिर मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया, व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रो। अब देखो वहां पे स्टूडेंट लिस्ट दोबारा से दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करके रन कर देंगे, देखो मतलब अनलिमिटेड टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं, एक परमानेंट डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही अच्छी कमांड है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। होप आपके कहीं पे काम आएगी। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।